तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह से आप OLX ऐप का यूज़ करके किसी भी सामान को बेच या फिर उसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों, उस वीडियो में मेरे को आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला और अब तक उस वीडियो में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर आ चुके हैं। और उस वीडियो में दोस्तों, मेरे को काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, हम कैसे OLX ऐप के ऊपर फ्री में ऐड पोस्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OLX ऐप के ऊपर अगर हमें फ्री में ऐड पोस्ट करनी होती है तो उसकी एक यहाँ पर लिमिट होती है। उस लिमिट के ख़त्म हो जाने के बाद या तो यहाँ पर आपको 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है या तो फिर यहाँ पर आपको OLX की सब्सक्रिप्शन या फिर यूँ कहिए कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर हर एक को रिप्लाई देना तो मुश्किल था, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए। अगर आप यहाँ पर एक विश्व रिसेलर हैं या फिर आप किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, जैसे आपका ऑनलाइन गाड़ियों का बिजनेस है, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप OLX ऐप के ऊपर फ्री में ऐड पोस्ट कर पाओगे। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ यार, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल पहाड़ी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक या फिर 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका यूज करके यहां पर आप फ्री में OLX ऐप के ऊपर ऐड को पोस्ट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी सबसे पहली ट्रिक की। अब दोस्तों, यहां पर होता है क्या है कि मैक्सिमम जो OLX के यूजर है वो यहां पर ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक बार ही OLX के ऊपर फ्री में ऐड को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप OLX ऐप के ऊपर हर एक कैटेगरी में जाके फ्री में एक बार ऐड को पोस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई गाड़ी सेल कर रहे हैं और आपके गाड़ी सेल करने की जो लिमिट है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब दोस्तों, उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आपकी गाड़ी है उसको यहाँ पर आप किसी और कैटेगरी में सेल कर सकते हो। तो ये कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए आपने सिंपली अपना OLX ऐप ओपन कर लेनी है और प्लस वाले आइकन पे जाके आपने कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अब दोस्तों, कैटेगरी वो होनी चाहिए जिसमें आपने पहले कभी कोई भी पोस्ट अपलोड ना की हो। जैसा कि मैं यहाँ पर मोबाइल की कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद सिंपली आपने ब्रांड वाले ऑप्शन पर जाके कोई भी एक ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने ऐड टाइटल के ऊपर जाके जो है अपने जो भी आप गाड़ी सेल कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपने टाइटल दे देना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए मारुति 800 टाइप कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी आपकी गाड़ी की डिटेल है उसको यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है और इसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपकी गाड़ी की इमेज होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हम गाड़ी की पोस्ट है उसको हम मोबाइल की कैटेगरी में अपलोड कर रहे हैं, तो लास्ट में आपने 1 या 2 फोटो जो है वो यहाँ पर मोबाइल के भी अपलोड कर देने हैं ताकि जो OLX का सिस्टम है वो इसको आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए। बस इसके बाद आपने सिंपली जो भी आपका प्राइस है और लोकेशन है उसको यहाँ से आपने डाल लेना है और अपनी पोस्ट को बाद में अपलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि OLX के ऊपर जब भी हम किसी प्रोडक्ट की ऐड को पोस्ट करते हैं तो वो 2 महीने तक हमारी OLX ऐप के ऊपर रन करती है, उसके बाद वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती है। अब मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड किया और वो 2 महीने से पहले ही बिक गया, या फिर आपने ऐसा प्रोडक्ट अपलोड किया जिसका मतलब ऑडियंस का आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस केस में आपको क्या करना है कि जो भी आपकी पोस्ट है उसको आपने एडिट करना है, यानी कि एडिट करके आपने कुछ चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस क्या करने हैं, जो भी आपके पुराने पोस्ट की इमेजेस है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उन सबको चेंज करके आपने किसी और प्रोडक्ट की इमेजेस, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपने एक्सचेंज कर लेना है और फिर से आपने अपनी पोस्ट को यहाँ पर पब्लिश कर लेना है। अब दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो आपकी पुरानी पोस्ट होगी जिसकी वैलिडिटी अभी है वो आपकी एक न्यू पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर आप काफ़ी सारी ऐड जो है वो फ्री में पोस्ट कर पाओगे। तो चलिए, इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर माई एड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक गाड़ी की जो पोस्ट है वो अपलोड की हुई है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने इसको चेंज करना है या फिर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आपने सिंपली करना किया है, यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं जैसे कि गाड़ी का नेम, उसकी ईयर, यानी कि सारी डिटेल को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर जो भी आपके पुराने फोटो हैं उनको यहां से आपने डी सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपके नए फोटो हैं जिनको आप अपलोड करना चाहते हैं वो यहां से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूं। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और प्राइस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपने अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपने थोड़ा सा इंतजार करना है, इसके बाद आपको OLX की तरफ से एक मैसेज आएगा कि जो आपकी ऐड है उसको हमने यहाँ पर वेरीफाई करके रिपब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी जो ऐड थी वो यहाँ पर अब एक न्यू पोस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की। तो दोस्तों ये भी काफी यूजफुल और 100% वर्किंग ट्रिक है, तो इसको यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि OLX ऐप के ऊपर हम एक नंबर के ऊपर सिर्फ एक ही अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है और उन सबके नंबर के ऊपर आपने OLX का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन जो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं उनको आपने किस तरह से यूज़ करना है उसको आप यहाँ पर यह समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपने अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स की मदद से जो है OLX के कुछ अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर 10 अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, तो उन सबका आपने पहले तो पासवर्ड सेम रखना है और उसके बाद आपने 10 अकाउंट की जो डिटेल है उसको आपने एक डायरी के ऊपर नोट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किए हैं उनको आपने एक साथ यूज़ नहीं करना है, उनको आपने एक साइकिल में यूज़ करना है। साइकिल मतलब कि जैसे कि आपने पहला अकाउंट जो है वो किया, उसमें कुछ आपने पोस्ट अपलोड की, उसके 3 दिन बाद जो है आपने दूसरा अकाउंट यूज करना है और दूसरे अकाउंट के यूज करने के 3 दिन बाद आपने जो है वो तीसरा अकाउंट यूज करना है। इसी तरह से आपने हर एक अकाउंट के यूज करने में 3-3 दिन का डिफरेंस रखना है। अब दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि जब आपके पहले अकाउंट की वैलिडिटी खत्म होगी तो दूसरे की शुरू हो जाएगी, दूसरे की खत्म होगी तो तीसरे की शुरू हो जाएगी, इसी तरह से जब आपके 10वें अकाउंट की वैलिडिटी खत्म होगी तो पहले की शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों ऐसा करने से जो है एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी और आप जितनी चाहे उतनी बार फ्री में ऐड को पोस्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। अगर आप मेरे दिए हुए स्टेप को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको बार बार OTP से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली पासवर्ड से ही अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने करना किया है कि यहाँ पर आपने अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके प्राइवेसी पे क्लिक करके क्रिएट पासवर्ड में जाके आपने एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि जितने भी अकाउंट आपने क्रिएट किए हैं सबका आपने यहाँ पर सेम पासवर्ड रख लेना है ताकि कल को अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब दोस्तों जब भी आप जो है अकाउंट को लॉग आउट करेंगे और फिर बाद में लॉग इन करेंगे तो आपसे जो है वो OTP नहीं मांगा जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको सामने वाले पर्सन को जो है वो परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे OTP बता दे। आप जो है बाद में अपने अकाउंट में पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने नन ऑफ दी अबव के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू विद फोन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सिंपली जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके जो भी आपने पासवर्ड जो है वो सेट किया हुआ है वो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो दोस्तों जो आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जितने चाहे उतने मर्जी अकाउंट OLX ऐप के ऊपर बिना OTP के यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए हर प्रकार की हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल, मिलते हैं आप सपने के लिए नई वीडियो में।